जिला बिलासपुर के गांव त्यून स्यून दाहर की 6 पंचायतों के ग्रामीणों में हंडिम्बा बस का गिराव किया नैन गुजर में। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले लगभग 20 वर्षों से हंडिम्बा बस का रूट गट्टू बिलासपुर बाय हरलोक होता था, पर पिछले कुछ दिन पहले इस बस का रूट बदलकर बाय बल चुरानी कर दिया गया है। समस्या को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधीश महोदय आरटीओ से भी मिल चुका है, पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में भारी रोष है। जिला बिलासपुर के गांव त्यून स्यून धार की 6 पंचायतों के ग्रामीणों ने हंडिम्बा बस का घेराव नैन गुजर में किया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले लगभग 20 वर्षों से हंडिम्बा बस का रूट घट्टू बिलासपुर बाय हरलोक होता था, पर पिछले कुछ दिन पहले इस बस का रूट बदलकर बल चुरानी कर दिया गया है। उक्त समस्या को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधीश महोदय आरटीओ से भी मिल चुका है, पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से ग्रामीणों में भारी रोष है। इस बस का रूट बदलने से लगभग 5000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ज्यादातर स्कूल कॉलेज सरकारी विभागों के लोग हैं, जिन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए बिलासपुर जाना होता है। ग्रामीणों ने जिलाधीश महोदय से भी गुहार लगाई थी कि या तो इस बस को पुनः पुराने रूट पर लगाया जाए या फिर उक्त समय पर नई बस चलाई जाए, ताकि लोगों को समस्या ना हो। इस रूट के बंद होने से काफी पंचायतों के ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बस घेराव के उपरांत कहा कि सरकार और प्रशासन दोनों सोए हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि कल सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर कुलघाट में हंडिम्बा बस को रोकेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार एवं प्रशासन की होगी। इस मौके पर सेवानिवृत्त कैप्टन रामलाल, सुमन कुमार, हरिराम, निक्काराम, देशराज, धर्मपाल, राजेश कुमार, शशि विनोद व 50 से ज्यादा ग्रामीण मौजूद रहे।